चलिए अब एक पीएसवी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि NH3 मॉलिक्यूल और NF3 मॉलिक्यूल, इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और क्यों होगा। अब आप इस वीडियो को एक मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल की। तो ये तो हम जानते हैं कि अमोनिया मॉलिक्यूल NH3 होता है, जिसमें एक नाइट्रोजन एटम होता है, 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं और नाइट्रोजन के पास एक फ्री लोन पेयर होता है। और हम ये भी जानते हैं कि नाइट्रोजन इज फार इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। और अगर हम अमोनिया की शेप की बात करें तो वो टेट्राहेड्रल होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगा नाइट्रोजन की तरफ और वो फर्दर शिफ्ट होगी लोन पेयर की तरफ। तो जो यहाँ पर टोटल नेट डायपोल मूवमेंट होगा वो होगा लोन पेयर के डायरेक्शन में। अब बात करते हैं NF3 की। NF3 की शेप भी लगभग अमोनिया की तरह ही होती है, बट यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि फ्लोरीन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो शिफ्ट होगी नाइट्रोजन की तरफ से फ्लोरीन की तरफ, जबकि लोन पेयर भी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर शिफ्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पर दो अपोजिंग फैक्टर हैं, लोन पेयर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर रहा है जबकि फ्लोरीन अपनी तरफ। बट जो एक लोन पेयर का इफेक्ट होगा उससे कहीं ज़्यादा इफेक्ट होगा 3 फ्लोरीन एटम्स का। तो इसीलिए जो नेट डाइपोल मूवमेंट आएगा, यानी कि जो फाइनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग होगी, वो होगी फ्लोरीन एटम्स की तरफ। इसीलिए आप रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट को यहाँ पे देख सकते हैं कि वो नीचे की तरफ है, और जो उनकी वैल्यू आती है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अमोनिया के लिए जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट होता है उसकी वैल्यू आती है 4.90 × 10⁻³० कूलम मीटर, जबकि NF3 के लिए ये वैल्यू आती है 0.80 × 10⁻³० कूलम मीटर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अमोनिया के लिए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा है, जबकि NF3 के केस में ये वैल्यू कम है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। अगर हम अमोनिया की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग है वो सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में है, और वो डायरेक्शन है लोन पेयर की तरफ। ऑन दी अदर हैंड NF3 मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग है वो दो अपोजिट डायरेक्शंस में है, एक है लोन पेयर की तरफ और एक है फ्लोरीन की तरफ। तो इसीलिए एक इफेक्ट दूसरे इफेक्ट को कैंसिल करता है, और कैंसिलेशन के बाद जो भी रिजल्टेंट आता है उसकी वजह से हमें ये वैल्यू मिली है। तो इसीलिए जब भी दो अपोजिट फैक्टर्स वर्क करते हैं तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और अगर वो दो अपोजिट फैक्टर्स इक्वल हों तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है।